जिंदे जी आप लोगों के बीच में जब को शीस काट के धर देगा ना यू कहोगे कि मन के में मतलब होगा सो शरीर में, और जब वो मानस नहीं रहेगा या अच्छे काम करता करता थारे बीच में चला जाएगा सारे रोएंगे बड़ा का मिल मानस थारे या अच्छा ही मरे पीछे दिख रहे चार कुत्ते बंदे पाऊंगे चार सिक्योरिटी वाले पाऊंगे पिए तो तमने परमिशन लेनी पड़ेगी बाबू जी थारे हाई पे मिलवा दो मुंह ते मिल लेंगे ना तो ना मिल लेंगे। आपका बालक कड़ा बात जगह किराए के मकान पर रह जाती रात ने जाकर पोचा पकड़ लियो। अरे छकारा की अरे छकारा की गांव की सरदारी ने सम्मानित बुजुर्गो नौजवान साथियों और आवाज सुनी मात्र शक्तिया आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे अरे छकारा की हाथ उठकर राम राम। शायद 5-6 बार पहले भी गांव के अंदर आए हैं, मेरे हिसाब से 1-2 साथी करवाने का भी मौका मिल गया है। मिल गया है ना जी भाग हमारे एक भी चौपाल में पहले भी आए थे, मेरे हिसाब से 4-5 साल पहले कंबल बांटने का भी सौभाग्य यहाँ मिल गया था। सबसे पहले तो चुनाव आ गया, आप सभी को पता जब चुनाव आया करे एक पार्टी का कार्यकर्ता आपके बीच में आऊगा और आप लोगों से वोट की अपील करेगा कि वोट दियो जी। मेरा मानना यह है अब की बार जागरूक हो जाओ, थारे बीच में जब कोई वोट मांगने आवे उससे सवाल जवाब करने सीख लो, उससे न्यू पूछो जी वोट तो दे देंगे काम बताओ काम के करवाए किस बात के नाम की वोट मांगा है तू मारते हो तेरे ये दे देंगे पर काम करूंगा। मेरा मानना ये है पार्टी चुनाव चिन्ह ये चीजें छोड़ गए, इब की बार उस आदमी ने चुनो उसने देखो जो थारे बीच में रहेगा काम करने की हिम्मत रखता हो या काम कर गया। सही बात कह रहे हूं गलत कह रहे हो ना तो हालात वे हो जाएंगे। आप लोगों को बता देता हूं देश की आजादी में 7,20,000 आदमी शहीद हुए थे, जबकि तजाक है यह आजादी भारत आई थी। अब बात यह आती है आजादी के बाद आजादी थ्याई की कहे सब तो बड़ा सवाल है, हम फिर भी आजाद नहीं हुए, हम पहले भी से गुलाम थे आज भी से गुलाम हुए, आजाद क्यों नहीं हुए जीता जागता उदाहरण बताता हूं। दिल्ली के अंदर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह गहलिया जिन्होंने असेंबली में बम फेंका उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त, बीके दत्त का करते नया छोरा सुतरा छोरा 1910 में पैदा होया था यानी कि मात्र 19 साल का छोरा, और बम फेंका भगत सिंह जी को तो फांसी होगी शहीद हो गया, उसको काले पानी की सजा होगी, काले पानी की सजा होगी तो 1947 में देश आजाद हुआ। 47 में जब वो जेल से बाहर निकला जितने क्रांतिकारी पकड़ रखे थे सब आजाद कर दिए सब छोड़ दिए गए, आ भाई आजाद हो गया है देश ये तो आप अपने घर आ जा सको। आजादी के बाद बाहर निकड़ के सबसे पहले उजाला ने देख पाया जरा बम फेंका था, उन्हें जब जाके देखा बालक बैडमिंटन खेलने लग रहे और उनके बीच में गया नहीं नहीं बालक ने बोले अंकल जी साइड होना हमारे खेल को क्यों खराब कर रही हो, उसकी आख्या मासू आ गई। अरे ओट बड़े क्रांतिकारी रोज अखबारा में आया करते ओट बड़े चेहरे और आजकल के बालका ने न्यू भी नहीं बेरा रहा तुम कौन हो, देश के खातिर थारे भाइया ने थारे साथिया ने जान दे दी। उसके बाद क्या होता है अपने घर चला गया दुख में भूखा मरा था बेचारा माड़े जुगाड़ होते लंबी जेल काट रहा था सब कम कुर्बान कर दिया था देश के लिए, देखो जी पेट सब का भूख सब न लग गए भूख सब न लग गए तो उस टाइम पर क्रांतिकारिया ने ठेके पर बस मिल जा करती उस लाइन में वो भी लग गया उस लाइन में वो लग गया तो वह क्रांतिकारिया तो जो बस मिल रही थी वो बोलिया जी मैं बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के लड़ाई लड़ी थी जी इतने साल की जेड़ काट रहा हूं असेंबली में बम फेंक क्या था
क्रांतिकारी हूं, एक बसमन ने भी चाहिए थे उस तेने वेले न्यू क्रांतिकारी देश बने आंडा है वो ताम्बड़ पत्थर सर्टिफिकेट कुछ ले रहा है खून जल गया सारा। अरे बेले जो गुलाम थे उस टाइम पे जो अंग्रेजा के पिट्ठू बने आंडे थे ये ठेके पर फंसते हैं और ये आज मारता ताम्बड़ पत्थर मांगा है, शर कट गया मानस का उल्टा आ गया। न्यू सोची वो छोटा मोटा चुनाव लड़के देगी, ये जो जिला पार्षद आए हुए साथ चुनाव लड़ी लिया गांव गवांड के लोग ने वो चुनाव भी हरवा दिया। उसके बाद सोची इस तो पट्टी नीचता रीनता के होगी रही क्रांतिकारी की यह इज्जत है। एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट नौकरी कर कर उसने अपना पेट भरा। 1965 में जब वो बीमार होया, बीमार होने के बाद दिल्ली लाया गया। दिल्ली में जब सफदरजंग हॉस्पिटल में उसने लियाए स्ट्रेचर पर लोटिया लोटिया भगत सिंह की मां ने याद कर लिया। भगत सिंह की मां फेटन आई देखते रोन लग गया, री मां तेरा एक बेटा पहला चला गया था, एक बेटा आज जान लग रहा है। पर एक बात कहूं वा बोली रे इतना बहादुर तू उस टाइम पर नहीं रोया, तू आज रोन लग रहा। बोले रोता रोता एक बात कहूं, देश काल भी आजाद नहीं था और देश आज भी आजाद नहीं है। तेरे बेटे ने जो क्रांति करी उन्हें भी आज भीतर सफदरजंग में बैग नहीं मिल रहा बिना सिफारिश के। ये हालात 1965 के हैं, देश की आजादी न कई साल हो चुके थे। उसके बाद स्ट्रेचर पर लोटा लोटा ने कहा था, बोले एक वो दिन था दिल्ली में जब बम फेंके थे, हिंदुस्तान में हमारे चर्चे थे, आज एक यो दिन है। स्ट्रेचर पर लोटा हूं बीमारी तो तड़पना ही रहा, इलाज का पीसा नहीं और आड़े सिफारिश को जम ला गया। लास्ट में अंतिम सांस जब ली, अंतिम सांस लेने से पहले एक बात कही थी, इस देश ने तुम्हारा प्यार दिया नहीं, एक आखिरी थार तो उम्मीद करूं हूं जड़े मेरे साथी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि बना रखी उसके बराबर में मेरी समाधि जरूर बना दी। और क्या मैं नहीं इस दुनिया में न्यू तक आजागार टूकेश्वर दत्त कड़ा है बिना तड़ा उनकी समाधि मेरे दोस्त आ गया मेरा नाम तो लिया जा। छोटी सी खबर आई थी रेडियो में आजादी के मत वाले बटू के स्वर तो तुम्हारे बीच में नहीं रहे, या क्रांतिकारी की लड़ा क्या की आज के समाज में या इज्जत है। जीते जी आप लोग के बीच में जब को शीश काट के दर देगा ना यू कहोगे कमन के मैं मतलब होगा सोशरी में, और जब वो मानस नहीं रहेगा या अच्छे काम करता करता थारे बीच में चला जाएगा सारे रोएंगे बड़ा का मिल मानस थारे या अच्छा ही मरे पीछे दिख रहे थे। जीते जी भी तो मनसा ने दिखनी चाहिए थारे बीच में जो थारा बालक खड़ा है यो रोना क्यों रोन लग रहा है यो कारण के है यो बता दू पहले तो। एक वो किताब सी कड़ा भाई थारे बालक ने आज भी जो काम कर रखे हैं इस किताब में या जो किताब मेरे हाथ में है सारी पढ़ का बताने लग जाएगा तो तड़का हो जाएगा पूरे नहीं होंगे थारे छोरी ही करे और काम। मोटे मोटे दो चार बता दू, 12 साल से 13वां साल लग लिया 2012 तक लग गया था 24 आया लगभग लगभग 1000 तो वे भाण बेटी व्याधि जिनके घर में मार बाप जिंदा नहीं। दूसरी बात जन सोचे ज्यादा उन बहनों के बात कर दिए जिनका पाटड़े पर से डरती भाई नहीं था, 5000 से ज्यादा वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं। जब यो कोरोना काल आया सारे नेता मंत्री अपने घर में ताला मार के मौत के डर तो सोए थे। उस टाइम पर थारा बालक गरीब की दलित की मजदूर की जब दिहाड़ी रुक गई थी झुग्गी झोपड़िया में रहने वाले ऐसे ऐसे लगभग लगभग 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया था 5 लाख। बाकी ये काम इस गांव की चौपाड़ में टेक कर जाऊंगी, थारे बीच में एक वादा करके जाऊं ना थारा बालक को नेता ना को मंत्री इन बातों तो छोड़ दो, आज तक सरपंच नंबरदार भी नहीं बने ना को फार्म भरा आज तक। सिर्फ एक बात कहूं थारे बीच में जिस पार्टी का जो भी नेता मंत्री आओ साइड में बैठा लियो जय मेरे साथ काम भी करे पागे थारा छोरा जिंदगी में इस चौपाड़ पर नहीं चढ़ेगा मुंह नहीं दिखाओगे यह गारंटी है।
तारा बालक मेहनत कर रहा, संघर्ष कर रहा है बिना किसी पद बिना किसी पावर, अगर उनसे डबल काम कर रहा है तो देखो जी वोट लेने का अधिकार भी ले रहा है बड़े बनाए नहीं बने। अगली बात ये है, अगर थारा छोरा बन गया, ये काम जब है सेक्टर 23 में थारा बाड़ा खुद किराए के मकान पर है, को धरना सेठ नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने एक बात कही है, मदद करने के लिए दिल बड्डा नहीं जी, जेब बड्डी नहीं दिल बड्डा होना चाहिए। बीच में एक बात कहूं, अगर थारा बालक बन गया, जो काम नेता मंत्री 5 साल में करके दिखावे इस तो पार में खड़ा होकर वादा करूं एक महीने में करके दिखा दूंगा, आवेंगे थारे बीच में, जातिवाद में बांटेंगे, धर्मवाद में बांटेंगे, न्यू बताऊंगे मैं थारे गांव का जी, मैं थारे गोत का जी, मैं थारी जात का जी, मैं थारे गांव आंड का जी। ये बात चुनाव चुनाव के टाइम पे याद आवे, इनके इलेक्शन होए पीछे सबसे पहले बात किसका मारेंगे, गोत के कर गांव के कर जात के कर गांव आंड के कर, ये सब तो बत्ती दुखी करेंगे, इन मत बढ़ने दिया उन्होंने। 4 कुत्ते बंदे पाऊंगे, 4 सिक्योरिटी वाले पाऊंगे, पीए तो तमने परमिशन लेनी पड़ेगी बाबूजी थारे हाय पे मिलवा दो, मुंह होगा तो मिलेंगे ना तो ना मिलेंगे। आपका बालक कड़ा बात जगह किराए के मकान पर रह जा, आधी रात ने जाकर पोचा पकड़ लियो, ईद तो पहले हरियाणा राजस्थान यूपी एमपी चारों स्टेट के अंदर जहां जिसने याद कराया है, गरीब की बेटी हो, दलित की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो, हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, तारे बालक ने जात पात देखी नहीं, इंसानियत के नाते उड़े जाकर खड़ा हो यार, वो फर्ज ने बाहर जो जिम्मेदारी दी। देखो जी एक का बात कहूं, आज भी वोट गिरते आयो घर तो कोई नहीं रखता, किसी ने किसी की तो गिर नहीं, साफ बात होगी। मेरा मानना यो ही की बार है ना, यो चुनाव चिन्ह देख कर नहीं, टिकट देख कर नहीं, पार्टी देख कर नहीं, आदमी के काम और चेहरा देख कर वोट दी। आज जोड़ कर विनती आपसे, एक बात और भी कहूं, जय मेरे तो कोपत्ती काम करे पावत्ती ने भी छोड़ दो, बराबर के भी करे पाजा, थारा थोड़ा वोट मांगने नहीं आओगा उससे ही दे दियो, या भी गारंटी है बात होगी ना। तो हाथ जोड़ के गुजारिश करना आया हूं आप लोगों के बीच में, थारा बालक एक किस्सा है, हर सुख दुख में सारी लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ने की जिसने कोशिश करी है, और यह लड़ाई अगर आप लोगों ने हाथ मजबूत कर दिए, इतने दबंग पड़े तो लड़के दिखाऊंगे आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी, आधी रात में भी थारा बालक थारे लिए खड़ा पाऊंगा, कोई मेरे मुख से गलत शब्द लेकर गया हो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। आप लोगों ने जो मान सम्मान जो प्यार दिया, दिल की गहराइयों से इस गांव की सरदारी का धन्यवाद है, सारे ने राम राम जय हिंद।